पैदाइश मेरी 1932 की है, इनफैक्ट इसी महीने 3 फरवरी 1932 को मैं 90 साल का हुआ हूँ। ये उस ज़माने की बात है जब रावलपिंडी एक छोटा सा शहर था, मेनली वो फौज का है, नॉर्दर्न कमांड जो इंडियन आर्मी की थी उसका वो हेडक्वार्टर था, और उस नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर की उसकी सारी अहमियत थी। उसमें लोग या तो फौज में भर्ती होते थे या फौज से कनेक्टेड चीज़ें जो है सप्लाई करना, ये करना वो करना, ये उनकी ज़िंदगी थी। इंसिडेंटली रावलपिंडी जो है वो एक ऐसा इलाका है, शहर, अब तो बहुत सा बदल गया है, लेकिन जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने में एक तरह का संगलाख इलाका था, यानी कोई खेती बाड़ी वाला ख़ास इलाका नहीं था। वो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट था, जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट था, और वो डिस्ट्रिक्ट की 4 तहसीलें थीं, यानी खुद रावलपिंडी तहसील और मरी और कहूटा और गुजरखान, ये 4 तहसीलें रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट करती थी। एज आई सेड मेनली लोग जो हैं वो फौज के मुख्तलिफ हिस्सों से कनेक्टेड थे, या ठेकेदारी करते थे या नौकरियां करते थे फौज में, तो इसलिए वहाँ पे कोई उस किस्म की तहजीबी कल्चरल एक सिचुएशन मौजूद नहीं थी। मेरे वालिद वकील थे और मेरे दादा भी वकील थे, वो ऐसे थे कि वो अमृतसर से हिजरत करके, उस ज़माने में भी हिजरत होती थी, तो अमृतसर से माइग्रेट करके वो पहले स्टेप पे लाहौर आए। मेरे वालिद और वो पूरा ख़ानदान जो अमृतसर में रहता था, अमृतसर में एक जगह भी है जिसको वकीलों वाली गली कहते हैं, तो वो उसमें ये लोग रहते थे। मेरे दादा जो थे, जो अमृतसर में उन्होंने वकालत शुरू की, उनके कज़न्स अमृतसर के अंदर ही उन्होंने आके, वो बैरिस्टर हुए और अमृतसर में आके उन्होंने कुछ अरसा वकालत की, फिर वो चले गए बाहर और फिजी में जाके आबाद हो गए। हमारे दादा के एक और कज़न जो थे वो सआदत हसन मंटो थे, जो मशहूर, लेकिन वो उनसे उम्र में बहुत छोटे थे। जब मेरे दादा ने वकालत शुरू की या वो करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने वालिद से, जो मेरे परदादा थे जिनको 4 साल की उम्र में मैंने उनको देखा हुआ है, मैंने अपने परदादा को भी, लेकिन मेरे परदादा से और अपने वालिद से कहा, अमृतसर में वकालत नहीं कर सकता क्योंकि अमृतसर एक छोटा शहर है, और यहीं पे मेरे दो और कज़न्स जो हैं वो वकालत करते हैं, तो यहाँ तो मुश्किल है वकालत करनी। तो मेरे जो थे परदादा, उन्होंने उनसे कहा कि तुम लाहौर जाके देखो, वो लाहौर में आए, घूम फिर के चले गए वापस। ये कहानियाँ हमने इसी तरह सुनी है, और उन्होंने वापस जाके कहा कि भई लाहौर तो बड़ा शहर है और मैं वहाँ नहीं कर सकता। ऑल सेड, फैसला ये हुआ कि वो रावलपिंडी जाएंगे। अच्छा। तो वो अमृतसर से हिजरत करके रावलपिंडी गए, और जब हमारे दादा ने ख़ुद बताया कि उस वक्त उनके 2 बच्चे शायद पैदा हो चुके थे, जिनमें सबसे बड़े मेरे वालिद थे और उनसे छोटे थे, बस एक एक साल का फ़र्क था, 5-6-7 बेटे थे और एक बेटी थी। ये सारे लोग जो हैं ये रफ्ता रफ्ता रावलपिंडी में आबाद हुए। रावलपिंडी में आबादी का मतलब ये है कि 6 महीने आप रावलपिंडी में रहते थे और 2-3-4 महीने मरी में रहते थे, क्योंकि रावलपिंडी से नॉर्दर्न हाई कमांड जो थी वो शिफ्ट होके उसकी वो भी मरी में चली जाती थी, और उसके साथ जितने वाबस्ता चीज़ें थीं, उनकी सप्लाई करने वाले, उनके दुकानदार, उनके चीज़ें छोटी मोटी बनाने वाले, वो सब भी मरी में ही आबाद होते थे। तो मरी एक तरह से ज़रा बेहतर शहर बन गया। गर्मियों के मौसम में
लेकिन वो गर्मियों के मौसम का मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे दादा मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में मरी चले जाते थे रावलपिंडी से, और अक्टूबर में वहाँ से वापस आते थे। क्योंकि हमारा जो घर था वो किसी अंग्रेज़ों ने बनाया था, कोई अंग्रेज़ फैमिली वहाँ पे रहती थी, वो डॉक्टर थे, उनका नाम ही डॉक्टर्स कॉमन उस जगह का नाम था। काफ़ी बड़ा घर था और काफ़ी ज़मीन थी जो मेरे दादा ने ख़रीद ली, और वहाँ जाके अपना बोर्ड लगा दिया वकालत का। मियाँ अज़ीज़ुल्लाह वकील, उस माने वकील ही कहलाते थे, सब जो मेन ऑफिसर्स थे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और जो मेन ऑफिसर थे वो सारे के सारे अंग्रेज़ थे। 16 साल उन्होंने वकालत की और वकालत बंद कर दी, और बरी में कोई उस वक्त की मरी में करीबन आधी जायदाद जो है वो उन्होंने ख़रीद ली। अगर आप मरी के डाकखाने में, डाकखाना तो मशहूर है ना वहाँ का, एक उसकी बड़ी सीढ़ियाँ थीं और एक बड़ी बिल्डिंग सामने नज़र आती थी, अब वो ऐसे हो गई है, सुकर गई है। तो उस डाकखाने से जब आप मरी माल रोड के ऊपर आगे चलते हैं तो 20-25 कदम जहाँ से जब मेरा गेट है, इतना कदम आगे चलेंगे तो आपको लेफ़्ट हैंड के ऊपर एक पुल जैसा नज़र आएगा और पीछे दुकानें 6-7 नज़र आती हैं। ये मेरे दादा ने बनाई थी। उसके नीचे मरी बाज़ार जो है वो पूरा का पूरा उन्होंने ख़रीद लिया। ये उस ज़माने की जो बूदोबाश थी वो इस किस्म की थी, तो वो उन्होंने ख़रीद लिया। तो बस फिर सारी हमारी फैमिली जो है, मेरे दादा की जितनी फैमिली थी, 5-6-7 उनके बेटे थे जैसे मैंने कहा, वो या उनकी फैमिलीज, वो सब लोग उधर ही चले जाते थे गर्मियों के अंदर, छुट्टियों के अंदर। तो इसलिए मरी के साथ हमारी एक बड़ी उनसियत थी, और मेरी ख़ास तौर पर क्योंकि मेरे एक चचा थे जो बशीर अहमद उनका नाम था, जो बाद में लाहौर की अंजमन अहमदिया के बड़े लीडर बन गए, वो अहमदी हो गए और अहमदिया लीडर बन गए, लेकिन उस ज़माने में अभी वो नए नए वलायत से पढ़ के आए थे, मेम उनकी बीवी थी, तो वो सैर करने निकलते थे। तो हमारे घर से माल रोड पर यूँ चढ़ जाते थे ऊपर, और ऊपर से नीचे एक कुलडना रोड, अब आजकल कुलडना का जिक्र आ रहा है बस, कुलडना रोड पर निकलते थे और आगे एक फॉरेस्ट रोड है जो जंगल के अंदर से गुजरती थी। तो वो सारी जगह जो थी, हम जो 4-4, 5-5 साल के बच्चे थे, हमें वो ये कह के कि अभी यहाँ से मैं आपको केक ले दूँगा और यहाँ से कोई हलवा आ जाएगा, इस किस्म की बातें वो कहते कहते वो हमें वो पूरी फॉरेस्ट रोड घुमा देते थे। तो ये एक एटमॉस्फेयर था। जितने वहाँ पे मुसलमान रहते थे मरी शहर के अंदर, यानी मरी जो इलाका था, जो आबाद इलाका था, बाकी मरी तहसील तो फैली हुई थी नीचे, लेकिन जो मरी का अपना इलाका था माल रोड से लेके आगे बैरियर से निकल के आगे, अगर आप पिंडी पॉइंट की तरफ चले जाएं और पीछे डाकखाने से पीछे कश्मीर पॉइंट की तरफ चले जाएं, ये सारा इलाका जो था इसमें मुसलमान जो थे वो डब रोटियाँ बेचने और मक्खन लगे हुए और क्रीम लगी हुई पेस्ट्रियाँ खुद ही बना के बेचने संदूकों के ऊपर वहाँ घूमते फिरते थे, ये उनका ज़्यादातर काम था। इक्का दुक्का जो पढ़े लिखे लोग थे वो एक हमारी फैमिली थी, ये एक आध कोई और फैमिली थी जो पढ़े लिखे थे, इनमें सब वकील ही थे। मेरे चचा भी वकील थे, मेरे अबाजान भी वकील थे, मेरे दादा ने कुछ अरसा वकालत की। 14 अगस्त पाकिस्तान बनना हमने मरी में ही देखा, और हमारा घर और हमारे और जो इर्द गिर्द लोग कंसर्न लोग थे वो सब माल रोड पे इकट्ठे हुए, रात को गोले बोले चले और बत्ती बुझी और बत्ती जली, और उसके बाद 14 अगस्त आज़ादी हो गई। तो इसलिए आज़ादी के साथ और हमारा उस जगह के साथ अलग होता है।
रावलपिंडी में जहाँ हम एक्चुअली जाके रहते थे, मैं आबाद हुए जहाँ मेरे वालिद और मेरे वालिद से पहले कुछ अरसा मेरे दादा ने वकालत की, जिस जगह पे जाके आबाद हुए वहाँ हमारे दादा ने एक हवेली बनाई थी और वो उस जगह का नाम आर्य मोहल्ला है। वो अभी आर्य मोहल्ला वहाँ पे मौजूद है और वो आर्य मोहल्ला जो है बिल्कुल जब आप रावलपिंडी में सदर से वो नाले का पुल उतर के नीचे जाएं, नाला लई जिसको कहते हैं, वो उसका पुल नीचे उतर के जाएं तो राइट हैंड पे एक बड़ी मस्जिद है और वो मस्जिद मेरे स्कूल की है और उसके पीछे हमारा स्कूल है। और जैसा कि आजकल है ज़िंदगी बसर होती है, वो ये हुआ कि वो पहले तो वो स्कूल नज़र आता था बहुत खूबसूरत, आगे ग्राउंड थी, इधर मस्जिद थी, मस्जिद बहुत बड़ी थी, लेकिन सामने मरी रोड मरी तक जाती थी। लेकिन अब उस वो स्कूल नज़र नहीं आता क्योंकि उसके आगे सब दुकानें बन गई हैं। यही मेरा स्कूल, यही स्कूल, इस स्कूल का नाम इस्लामिया हाई स्कूल मरी रोड है। मरी रोड इसलिए कि एक और इस्लामिया हाई स्कूल भी था किसी और जगह था, लेकिन इसको इस्लामिया हाई स्कूल मरी रोड कहते थे। तालीम के एतबार से बहुत अच्छा था, मैं तो पढ़ा ही हुआ हूँ और 1946 में मैंने 10वीं जमात पास की उसी स्कूल में रह के। चौथी जमात में या 5वीं में मैं दाखिल हुआ था, उससे पहले घर में पढ़ता था और कोई एक मास्टर साहब आते थे जो मैं घर में पढ़ाते थे, वो मास्टर साहब भी हिंदू थे। लेकिन हिंदू की दिलचस्प बात है, यह भी बता दूँ कि नौजवान थे वो, क्योंकि मैं देख सकता था कि वो नौजवान है, लेकिन वो अंधे थे, ही वॉज ब्लाइंड। और उनकी खूबी जो थी वो यही थी कि वो ब्लाइंड थे और मुसलमान और हिंदू सब घरों में लड़कियां लड़के उनसे पढ़ते थे और उनकी आंखें ना होने, नाबीना होने की वजह से वो सेफ समझे जाते थे कि उनके उनसे पढ़ा जाए। पढ़ता कुछ नहीं था, हमारी घर की लड़कियां भी सब उनसे पढ़ती थी, जो उन्हें मास्टर प्रेम उनका नाम था। बहरहाल तो वो आर्य मोहल्ला जो है वो अभी भी मौजूद है। अब तो मैं एक दफ़ा गया था देखने के लिए, लेकिन वो घर और हवेली और वो सब चीज़ें जो हैं वो और बहुत सारी इमारतों से दब गई हैं, मन नज़र नहीं आती। हम जाके वहाँ पैदा वहाँ पे हुए और वहीं पे 9वीं 10वीं जमात तक मैं वहीं रहा। इस्लामिया स्कूल बाहर सड़क के ऊपर मरी रोड के ऊपर था और गली में हमारा घर था, तो कुछ फासला था बस इतना ही जितना यहाँ से बाहर चौक का है। वहीं पे मैंने अपने ज़माने के एक ज़बरदस्त इनकलाबी दादा मीर हैदर से भी मेरी वहीं पे मुलाकात हुई। वो एक अजीब वाक़या जैसा हुआ, भाई तालीम तो अच्छी थी क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा और मैंने बड़े अच्छे नंबरों के ऊपर, दो शख्स थे जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न में, और फर्स्ट डिवीज़न का उस वक्त मतलब ये नहीं था कि 1000 में से 900 नंबर हों जो आजकल होता है, उस ज़माने में 7-8-6 नंबरों वाला अच्छा समझा जाता। तो मेरे साथ दूसरा जो शख्स था जिसने वहाँ से 10वीं जमात जो है वो अच्छे नंबरों पर बल्कि फर्स्ट डिवीज़न बल्कि फर्स्ट डिवीज़न की भी अच्छी में पास की, उसका नाम था मुफ्ती कमरुर्रहमान और वो मसूद मुफ्ती का बड़ा भाई था। मसूद मुफ्ती एक मशहूर राइटर और सिविल सर्वेंट रहा है, मगर बहुत बड़ा अच्छा राइटर, जो भी फौत हुए हैं। तो ये हमारा एक एटमॉस्फेयर था जिसमें हम रहते थे। कॉलेज उस वक्त एक ही था वहाँ पे और वो गॉर्डन कॉलेज था जो मिशन कॉलेज था, और मिशन अमेरिकन प्रेसबिटेरियन मिशन था जो फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज का था, जो एडवर्ड्स कॉलेज का था, जो मरे कॉलेज का था। रावलपिंडी शहर में करीबन मुसलमान और हिंदू जो हैं वो करीबन शहर करीबन बराबर बराबर होंगे। सिख काफ़ी थे, हिंदू सिख मिला के मुसलमान करीबन बराबर होंगे। जो हमारे दादा ने हवेली बनाई थी अपने तमाम बेटों को वहाँ अकोमोडेट करने के लिए, 2-2, 3-3 कमरे सब मिले हुए थे, बीच में एक बहुत बड़ा पक्का सहन था, बाहर एक ग्राउंड थी, ग्राउंड के बाहर भी एक तरफ गराज था, एक तरफ दफ्तर था वकालत का जो मेरे अब्बा जान वहाँ पे
वकालत करते थे, तो वो घर इतना बड़ा था कि वो गली एक उसके साथ एक गली चलती थी, वो गली पूरी की पूरी जो है वो एक तरफ घर था और दूसरी तरफ 7-8-10 घर थे, और वो 7-8-10 घर जो थे उनमें 3-4 मुसलमानों के थे, 1 या 2 हिंदुओं के होंगे और 2 यहूदी लोगों के थे, और उन सब के बच्चे थे, और वो बच्चे होने की नस्बत हमारे घर का चूँकि जो ऊपर जिसको कोठा कहते हैं वो इतना बड़ा था और उसके पतंग शतंग उड़ाने के बहुत इम्कानात थे, तो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन हमारे ही घर में हमारे दादा ईद मिलादुन्नबी भी मनाते थे, जिसमें भी सब हिंदू वो क्रिश्चियंस और यहूदी जो हैं वो वहाँ पे हो गए। और उसमें दिलचस्प बात है कि मेरे एक चचा जो थे, सबसे बड़े चचा मेरे वालिद से छोटे थे, उन्होंने मुझे तकरीर लिख के दी ईद मिलादुन्नबी के ऊपर वहाँ पे करने के लिए। तो मैं उस वक्त 5वीं 6वीं में शायद पढ़ता था इस्लामिया हाई स्कूल में ही, तो जिस चचा ने लिख के दी वो खुद हेडमास्टर मुख्तलिफ स्कूलों में रहे थे, तो तकरीर तो उन्होंने लिख दी और मैंने ज़बानी याद भी कर ली, जो पहली तकरीर और आखिरी तकरीर है जो मैंने याद करके की, उसके बाद तकरीर फिलपदी ही करता हूँ मैं, तो वो याद मैंने की। अब ये हुआ कि उस तकरीर के में सब लोग गली के या कुछ हिंदू भी सिख भी, लेकिन ज़्यादातर गली में जो क्रिश्चियंस और 2 यहूदियों के घर थे वो सारे उनके बच्चे औरतें वहाँ पे इकट्ठे थे, और वो तकरीर मैंने करनी थी ईद मिलादुन्नबी के ऊपर। अब मुझे ख़्याल ही नहीं रहा कि वो ईद उस तकरीर के अंदर मेरे चचा ने एक बात लिखी जो बहुत मशहूर है वाक़या रसूल करीम के ज़माने का, और वो ये कि वो मस्जिद में बैठे हुए थे तो बाहर से एक यहूदी ने गलाजत फेंक दी अंदर, ये एक बड़ी मशहूर कहानी है। तो जब वो उसने फेंकी तो जो उनके साथ साहबी बैठे थे मस्जिद के अंदर वो तलवारें सूंद के निकले उसको मारने के, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं वो भी गलत आदमी है, उसने ऐसा किया है, अब खुद जाके वो गंदगी का लिफाफा या जो भी चीज़ थी वो उठा के बाहर फेंक दी। ये बात जो है वाक़या मैंने उस तकरीर में लिखा, उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन लिखा वो इस तरीके से था कि एक बदज़ात यहूदी ने ये किया जो वाक़या मैंने बताया। अब वहाँ पे यहूदी बैठे हुए थे बच्चे भी जो हमारे दोस्त थे पक्के, उनकी लड़कियाँ बेटियाँ सब वो सब वहीं थे, और मैंने वो बदज़ात यहूदी कहा और एकदम में ठिटक गया और मुझे आगे मुझे सब भूल गया, तो मुझे मेरी वो तकरीर में नहीं कर सका पूरी बात बदज़ात यहूदी पर। मैं एकदम मुझे एक जगह प्लेटफॉर्म था बना हुआ था उसके ऊपर खड़े होकर मैं तकरीर कर रहा था, बाकी सब लोग बैठे हुए थे, तो मैं नीचे उतर गया रोते हुए या कुछ कर, तो मुझे बहुत बाद में डांट वांट पड़ी कि तुमने ये क्यों किया। मैंने कहा आपने बदज़ात यहूदी लिख दिया था और उधर तो एंजला भी बैठी थी और मैं एंजला फिलाने भी बैठी थी, ये भी बैठी थी, मैं कैसे कह सकता था बदज़ात यहूदी, वो तो सब हमारे दोस्त थे। तो ये एक सिचुएशन थी। मेरे वालिद जो हैं वो 1942 तक कांग्रेस के लीडर थे। इंसिडेंटली हमारे जो अमृतसर का ख़ानदान था उसमें हमारा ख़ानदान यानी मंटुओं का ख़ानदान और उनकी शादियां जिन लोगों से हुई थी वो किचलू ख़ानदान था, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो जलियांवाले बाग के एक मशहूर कैरेक्टर थे वो एक अहमियत रखते हैं, वो मेरी वालदा के मामू थे, चचा थे और मेरे वालिद साहब के मामू थे। तो वो तअल्लुकात की का मामला यही था ना कि वो गली जो है वो एक तरह की चूँकि कॉस्मोपॉलिटन गली थी, क्योंकि उसमें सब हर तरह के
लोग रहते थे और हमारा घर चूंकि बहुत बड़ा था, सब उधर ही इकट्ठे होते थे, हर फंक्शन भी वहीं पे होता था, ईद मिलाद भी होती थी और दुशहरा तो नहीं होता था लेकिन बतियाँ बतियाँ जलाते थे दुशहरे का। सामने ग्राउंड था जहाँ पे वो रावण का को जलाया जाता था और ये हम सब लोग देखने जाते थे। तो ये सारी जो सूरत हालात थी ना उसमें हिंदू मुसलमान सिख हमारे घर के हिसाब से वो एक कॉमन सोसाइटी थी। नहीं वहाँ तो कोई एतराज़ करने वाला था नहीं क्योंकि वो मल्ला आर्या मल्ला था। ये इस बात पे एतराज़ कोई मुसलमान कर सकता था लेकिन वो आर्या मल्ला था और उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी जो थी ओवरवेलमिंग वो हमारी गली के अलावा वो हिंदुओं की रहती थी। और वो तो और हमारे वालिद 1942 तक कांग्रेस के लीडर थे, रावलपिंडी कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे और इसलिए 1942 में मुस्लिम लीग में आए और फिर उन्होंने मुस्लिम लीग मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वो सब उस इलाके में कैम्बलपुर से लेके जेलम तक सब ये उन्होंने बनाई। ये इस तरीके से थी लेकिन जो वो बेसिक इम्प्रेशन था ना हमें हमारे क्रिश्चियन दोस्तों का हमारे यहूदी जो लड़कियां दोस्त थी उनका और जो हमारे पतंग आके उड़ाते थे सब लोग हिंदू भी उसमें आते थे। एक अमर सिंह था एक बहुत जिसको अब आप कहते हैं मोना सिख जो केस कटा देते हैं लेकिन होते सिख हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त गुड्डी चढ़ाता था और वहाँ पे आके पतंग ये सब हमारे घर में यही सिलसिला था। तो इसलिए हमारे घर का एक जो ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर था कदुका लोग जो थे वो ऐसे थे जो ज़रा मजहबी थे लेकिन ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो था वो इस किस्म का था जो जिसमें हम पले बड़े और आम आदमी। तो ये सूरत हालात है। मैं तो इस्लामिया का स्कूल में दाखिल हो गया 5वीं जमात के बाद और इस्लामिया हाई स्कूल में दाखिल होने का नतीजा जो था ये कि दीनियात पढ़नी पड़ती थी उस वक्त उसको अभी तो इस्लामियात कहते हैं ना उस वक्त दीनियात कहते थे। और दीनियात पढ़ाने वाले हमारे जो मौलवी सफ़त अहमद साहब थे वो बड़े अच्छे थे और वो हमें कहते थे कि नमाज भी पढ़ा करो नमाज भी पढ़ा करो। तो हम ज़रा कम ही पढ़ते थे नमाज क्योंकि नमाज का जो टाइम होता था वो अमूमन जो सबसे पहली नमाज स्कूल के वक्त में आती थी वो दोपहर की नमाज आती थी जो जोर की नमाज होती है तो उसमें छुट्टी करीबन होने वाली हो जाती थी तो इसलिए नहीं हुआ। लेकिन मेरे साथ जो जुल्म हुआ वो ये हुआ कि दीनियात पढ़ाने के लिए मौलवी फ़तेह मोहम्मद साहब ने कहा कि मस्जिद में आया करो, वो क्लासरूम में नहीं दीनियात पढ़ाते थे तो हमारी क्लास पूरी जो है वो मस्जिद में जाती थी। तो स्कूल था ऊपर 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर एक काफ़ी बड़ा स्कूल था यूं करके और नीचे ग्राउंड थी स्कूल की और उसके साथ मस्जिद थी फिर वो 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती थी और मस्जिद आ थी और काफ़ी बड़ी मस्जिद थी। तो हुआ ये कि एक वो हमारी मस्जिद के मौज़न जो थे वो बीमार हो गए और वो नहीं आए तो मौलवी फ़तेह मोहम्मद साहब ने जो इमाम मस्जिद भी थे और हमारे दीनियात के मास्टर भी थे उन्होंने देखा इधर उधर तो उनको पता नहीं क्यों मेरे ऊपर नज़र पड़ी। उन्होंने कहा कि भाई आप अजान दे आपको अजान आती है मैंने आपको सिखाई हुई है। मैंने कहा आती है। उन्होंने कहा अजान दे दें। मैंने अजान दी वो एक चुबारे जैसा बना हुआ था उसके ऊपर वो मौसन चढ़कर कानों में उंगलियाँ डाल के अजान देता था तो मैंने अजान दी। तो मौलवी साहब ने अजान देने के बाद मौलवी साहब ने कहा कि आप तो बहुत ही अच्छी अजान देते हैं और आगे से आप ही अजान देंगे। तो आगे 4 साल मैंने मुझे वहाँ पे अजानें देनी पड़ी। हाँ यानी 6ठी जमात से लेकर 10वीं जमात तक जब तक मैंने मैट्रिक पास नहीं किया वो मौलवी फ़तेह मोहम्मद चले भी गए ये भी हुआ मगर मेरी ड्यूटी अजान देने की जो है वो दोपहर की लगी रही। वो दोपहर की ड्यूटी जो थी अजान देने की उसका एक और दूसरा जो
मुश्किल मरहला था वो ये कि नमाज भी वहीं पर पढ़नी पड़नी पड़ी। तो फिर मैं अपने घर में पहुंचता था काफ़ी देर के बाद, कि स्कूल छुट्टी हो चुकी होती थी, लेकिन मैं उधर अजाने दे रहा था और नमाज पढ़ रहा था। तो इस पर मेरी वालदा मुझे डांट भी डपट भी करती थी, हालांकि वो खुद नमाज अच्छे बजाय पढ़ती थी, लेकर उन्होंने कहा ये क्या हुआ कि बच्चे वहाँ पर अजाने दे रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये एक सूरत हालात थी। शख्सियत तो मेरी जो है वो दसवीं जमात के बाद ही बनी, उससे पहले तो मैं तालिब इल्म था, बच्चा था, और इम्तहान पास करने और अच्छे नंबर लेने का के चक्कर में था। तो 1946 में मैंने दसवीं जमात पास की। गॉर्डन कॉलेज जो वाद कॉलेज था उस वक्त, उसमें दाखिल हो गया।